मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो मौजू है इस वीडियो का, वो है 27 अक्टूबर का जो धरना है, उसके नतीजे में क्या रिजल्ट होंगे, क्या कोई हुकूमत गिरने जा रही है, लॉकडाउन होगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उसकी क्या सूरत हाल नज़र आती है। तो इस हवाले से मैं जायचा पाकिस्तान के एनालिसिस करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें इसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो जो स्टार्स की पोजीशन है वो ज़्यादा फेवरेबल नज़र नहीं आती। स्पेशली अगर मैं 27 अक्टूबर को देखूं तो जो गोचर है प्लैनेट का, वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है। यानी कि 27 अक्टूबर तक जो चीज़ें हैं उसके अंदर सियासी हलचल, मामलात के अंदर शिद्दत, वायलेंस, इस तरीके से बेचैनी, रोज़ बरोज़ आपको टेंशन वाली चीज़ें, खबरें सुनने को मिलेंगी कि पता नहीं अब क्या होने जा रहा है, हुकूमत गिरने वाली है, इस तरह की सिचुएशन आपको होती हुई नज़र आ रही है। कुछ वायलेशन, कुछ वायलेंस का भी खदशा नज़र आ रहा है, लेकिन ये वायलेंस इस तरीके से नहीं नज़र आता कि जिसके नतीजे में हुकूमत ख़तरे में पड़ जाए। अगर मैं सीधी और क्लियर बात करूं तो 27 अक्टूबर के धरने के नतीजे में कोई हुकूमत गिरने वाली नहीं, पहली बात ये है। दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, कोई टेंशन नहीं नज़र आती, लेकिन ये है ज़हनी दबाव का शिकार ज़रूर नज़र आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियाँ नज़र आती हैं, और कोई सियासत ख़त्म होने जा रही है या कोई मार्शल लग रहा है, इस तरह की भी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, यानी कि 27 अक्टूबर के जो स्टार्स की सिचुएशन है उसके अंदर बेचैनी की कैफियत, अनसर्टेनिटी, वायलेंस, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली, हुकूमत का गिर जाना, कोई मार्शल लग जाना, इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आती। तो ये था 27 अक्टूबर 2019 के जायचे का एनालिसिस कि इसके अंदर क्या सूरत हाल नज़र आती है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। नंबर एक, हुकूमत गिरती नज़र नहीं आती। नंबर दो, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। सिर्फ ये हो सकता है हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखने में दुश्वारी हो, प्रेशर हो, कुछ आवाम का दबाव, वायलेंस, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये चीज़ें इसकी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके नतीजे में कोई मार्शल या हुकूमत गिरने वाली नज़र नहीं आती। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।